फ्रेंड्स, वेलकम टू तुलु बायोलॉजी क्लासेस। और आज हम बात करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी के पहले चैप्टर के पहले टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने इस यूनिट की शुरुआत की थी और वहां पे मैंने आपको अर्नेस्ट मायर के बारे में बताया था, और वहां पे मैंने ये भी बताया था कि अर्नेस्ट मायर को ट्रिपल क्राउन बायोलॉजी दिया गया था, और इस ट्रिपल क्राउन बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से प्राइज आते हैं उनके बारे में मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला टॉपिक का हम शुरुआत करेंगे, जो कि है हमारा व्हाट इज लिविंग। यहाँ पर हमको लिविंग के बारे में डिफाइन करना है कि लिविंग क्या है। चलिए देखते हैं। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं। वी कन्वेंसली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि अपने एनवायरनमेंट के बारे में पहचानना, एंड माउंट टू सुटेबल रिस्पॉन्स आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये कुछ ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, ये हमारी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे ही हम किसी लिविंग के बारे में सोचते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे दिमाग में आ जाती हैं। कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम डिफाइन करते हैं, तो जैसे कि मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात कर लें, मेटाबॉलिज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, ये भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सेल्फ रिप्लिकेशन की क्षमता भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होती है, कभी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और सेल्फ ऑर्गेनाइज, ये तीन प्रॉपर्टी जो हैं इनको हम और ऐड करना चाहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं तब। अब इनकी अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे ग्रो करते हैं। और ग्रोथ की दो ही प्रॉपर्टी हैं, या तो इंक्रीज इन मास, या तो सेल का मास बढ़ रहा होगा, या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, या फिर उनके इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ रहा हो। जैसे कि यहाँ पे हम डायग्राम समझते हैं कि एक हमारी सेल है और इस सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाए, दो से चार सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, हमारा नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब अगर इसी सेल के ग्रोथ हो रही है और इसका मास बढ़ रहा है तो ये भी हमारी करेक्टरिस्टिक हो जाएगी हमारी ग्रोथ की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। करेक्टरिस्टिक जो ग्रोथ की हैं दो ही करेक्टरिस्टिक हैं, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये ट्विन करेक्टरिस्टिक हैं हमारी ग्रोथ की। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करता है। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट की अगर हम बात करें तो ये प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो पूरी लाइफ होती रहती है। अब इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज, लेकिन एनिमल में ये जो ग्रोथ होती है वो कुछ पार्टिकुलर एज तक ही सीन करती है, मतलब कुछ टाइम तक ही होती है, पार्टिकुलर एज तक होगी। हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिशू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, जो सेल डिवीजन होता है कुछ टिश्यूज में होता है और वो जो लॉस्ट हो चुकी है सेल उनको रिप्लेस कर देती हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हमारे सेल डिवीजन द्वारा ग्रो करते हैं। वन कैन ईजली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर, और इसको हम इन विट्रो कल्चर में आसानी से देख सकते हैं। बाई सिंपली कंटेंट काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर माइक्रोस्कोप, कैसे हम देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में इनके नंबर को हम काउंट करके देख सकते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ हो रही है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट, ज़्यादातर हायर एनिमल में और प्लांट्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ज़्यादातर एनिमल और प्लांट्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमारी जो है वो म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास, जो हमारा बॉडी का मास बढ़ रहा है, इज कंसीडर एज ग्रोथ। जो हमारी दो करेक्टरिस्टिक थी ग्रोथ की, एक इंक्रीज इन बॉडी मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यही दो हमारी करेक्टरिस्टिक थी ग्रोथ की, ये हमें अपने दिमाग में रखना है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो, अगर हम अपना बॉडी मास इंक्रीज करते हैं एज क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ, और इसको हम ग्रोथ की क्राइटेरिया मानते हैं। माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड माउंट डू ग्रो, हमारे जो माउंटेन्स हैं, जो हमारे बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, जो हमारे सैंड माउंट बालू के टीले हैं, ये सब ग्रोथ करते हैं। अगर हम बॉडी के मास को, इंक्रीमेंट को हम ग्रोथ मानते हैं तो, हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, इस तरह की ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग के द्वारा भी एग्जिबिटेड होती है, नॉन लिविंग भी इस तरीके की ग्रोथ करते हैं। बाई एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, इसके सरफेस पे मटेरियल को डिपॉजिट करके इस तरीके की ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी करते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फॉर्म इनसाइड, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ग्रोथ इनसाइड से होती है, मतलब अंदर की साइड से होती है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो ग्रोथ का क्राइटेरिया हम मान के चले थे कि उसमें जो ग्रोथ होती है कि मास ऑफ सेल, जब मास बढ़ रहा होगा तो उसको भी हम ग्रोथ कह रहे थे। तो इस तरीके से बालू के टीले हो गए, ऊंची पहाड़ियाँ भी हो गई, उस पर मास का डिपोजिशन होता रहता है, तो इस तरह से वो भी ग्रोथ करते हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ग्रोथ हो सकती है, बस फर्क इतना है कि लिविंग में इनसाइड से ग्रोथ होती है और नॉन लिविंग में आउटसाइड से ग्रोथ होती है, इसीलिए ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करते हैं। अब कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू एक्सपेंड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, एक डेड ऑर्गेनिज्म, एक मरा हुआ ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हम नेक्स्ट टॉपिक का जब वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक।